प्यारे बच्चों, आज हम पे नंबर 58 और आज जो हमारा सबक है वो सबक नंबर 47 यानी लेसन नंबर 47 पर बहुत ही खूबसूरत सा तलफ़ुज़ है आवाज़ ह। तो प्यारे बच्चों, आज हम बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसे देखेंगे। ये एक हिरन है, ये एक हिरन है। हिरन बहुत ही खूबसूरत सा जानवर होता है और ये हिरन जंगल में रहते हैं। हिरन कहाँ रहता है? हिरन जंगल में रहता है। हिरन बहुत ही खूबसूरत सा होता है। इसकी पतली पतली टांगे होती है। ये अपनी टांगों की मदद से बहुत ही तेज़ दौड़ता है। ये क्या है? ये हिरन है। बहुत ही खूबसूरत सा हिरन। ये क्या है? ये हिरन है। तो प्यारे बच्चों, आगे देखें, बहुत ही खूबसूरत सा मेरे पास एक चीज़ है जो बहुत ही खूबसूरत सी है। ये है तो छोटी सी लेकिन बहुत ही कारामद जी। इसे हीरा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे हीरा कहते हैं। ये हीरा है। ये है तो छोटा सा लेकिन ये बहुत ही महंगा होता है। ये क्या होता है? बहुत ही महंगा होता है। तो प्यारे बच्चों, ये क्या है? ये हीरा है। हीरा को जेवरात में लगाया जाता है। हीरा को जेवरात में लगाया जाता है जी। तो प्यारे बच्चों, हमने बहुत ही खूबसूरत सी एक हिरन देखी, फिर हमने एक बहुत ही खूबसूरत सा हीरा देखा जी। तो प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि हिरन और हीरे की शुरू की आवाज़ क्या है जी? तो हिरन और हीरे की शुरू की आवाज़ तलफ़ुज़ है आवाज़ हा है। तलफ़ुज़ है आवाज़ हा है जी। हाँ, बहुत ही खूबसूरत सा होता है। तो प्यारे बच्चों, देखिए ये रहा ह, इसे तलफ़ुज़ है आवाज़ ह कहते हैं। और ये ह को यानी ये ह हमेशा आखिर में आती है, जबकि छोटी है ये रही और ये हमेशा शुरू में आती है। ये ह शुरू में जबकि ये वाली ह आखिर में आती है। सो ये हे हा, हे हा हाथी, हे हा हिरन, हे हा हीरा। तो प्यारे बच्चों, चलिए अब हम अपनी किताब की जानिब चलते हैं और किताब पे पेज नंबर 58 और जो हमारा लेसन है वो 47 यानी पेज नंबर 58 लेसन नंबर 47 पर तलफ़ुज़ है आवाज़ हा को बहुत ही खूबसूरत तरीके से पढ़ेंगे। चलें तो हम अपने काम को यानी पढ़ने के काम को शुरू करते हैं जी। तो प्यारे बच्चों, ये देखिए कितनी खूबसूरत सी तस्वीर है। ये तस्वीर एक जंगल की है। ये तस्वीर एक जंगल की है। इस तस्वीर में बहुत ही खूबसूरत सा एक लड़का है जिसने खूबसूरत सा हार पहना है। जिसने क्या किया है? खूबसूरत सा हार पहना है जी। इसने अपने गले में हार पहना है और ये एक लड़का है। और देखिए आगे एक हाथी है। ये एक हाथी है। हाथी बहुत ही खूबसूरत सा है। हाथी को इंग्लिश में एलिफेंट कहते हैं और हाथी का रंग ग्रे है जिसे उर्दू में सुरमई कहते हैं। ये हाथी है। हाथी ने देखे सूंड पर क्या पकड़ा है? हाथी की सूंड पर एक हीरा है। हाथी की सूंड पर क्या है? एक हीरा है। वैसा ही हीरा जैसा मेरे पास भी था। तो ये हाथी के सूंड पर क्या है? एक हीरा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए एक बहुत ही खूबसूरत सा परिंदा जिसको हुदहुद कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? हुदहुद कहते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत सा होता है और इसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत से रंग होते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत सा परिंदा है, इसे हुदहुद कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये बच्चा अपना हाथ हाथी की तरफ उठाते हुए बता रहा है, ये हाथी है, ये हाथी है। बच्चे ने अपना हाथ हाथी की तरफ उठाते हुए क्या बताया? ये हाथी है और ये बच्चे का हाथ है। तो प्यारे बच्चों, क्या आपने देखा कि हुदहुद, हार, हाथ, हाथी और हीरे की शुरू की आवाज़ क्या है जी? तलफ़ुज़ है आवाज़ हा। तलफ़ुज़ है आवाज़ हा। सो ये रहा है, ये बड़ा है जो हमेशा आखिर में आता है, जबकि ये है कि तीन अशकाल हैं जो शुरू या दरमियान में आती हैं जी। तो प्यारे बच्चों, हमने बहुत ही खूबसूरत तरीके से पहले मरहले में कुछ तस्वीरों को देखा। फिर मैं आपको एक बात बता दूं कि तलफ़ुज़ जीम के ख़ानदान में से जीम, चे, हे की आवाज़ ह, जबकि ये भी हे है। सो हे, ये हे की आवाज़ हा है। हा गले से निकालें, हा जी। तो प्यारे बच्चों,
ये बहुत ही खूबसूरत सा हर्फ है। चले तो अब मज़ीद नज़दीक इन तस्वीरों को गौर से पढ़ते हैं और साथ ही हम क्या करेंगे, इनके तोड़ जोड़ भी पढ़ेंगे। सो पहली है हे हा खुद 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 खुद, हे दाल खुद, हे दाल खुद, खुद 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 खुद, हे हा हीरा, हे छोटिए रे अलिफ्रा हीरा, हीरा हीरा, हे हा हाथी, हे अलिफ हा ते की भारी आवाज थ, थ छोटिए थी हाथी, हाथी हाथी, हे अलिफ, हे हा हाथ, हे अलिफ हा ते की भारी आवाज थ हाथ, हाथ हाथ, हे हा हार, हे अलिफ हा रे हार, हार हार। जी तो प्यारे बच्चों, बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमने अपने काम को मुकम्मल किया और हमने बहुत ही खूबसूरत तरीके से सबक 47 यानी सबक नंबर 47 को पढ़ा और बहुत ही खूबसूरत तरीके से तलफ़ुज़ है आवाज़ हा को बहुत ही खूबसूरत तरीके से पढ़ा। सो आपने भी इसी तरह इस बुक को खोलना है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसकी रीडिंग करनी है और आपने बहुत ही खूबसूरत तरीके से इन चीज़ों को भी देखना है और इनकी शुरू की आवाज़ को भी अदा करना है। सो प्यारे बच्चों, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें, ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।